सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई की टीम इस केस को सुलझाने के लिए दिशा सालियान की मौत से जोड़कर भी जांच कर रही है। हाल ही में दिशा सालियान की कॉल डिटेल से खुलासा हुआ है कि दिशा की मौत के बाद भी उनका फोन एक्टिव था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मौत के बाद भी दिशा सालियान के फोन का एक्टिव होना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि उनके सुसाइड के बाद भी कोई उनके फोन का इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि ये पता नहीं चल पाया है कि उनका फोन कौन इस्तेमाल कर रहा था। रिपोर्ट्स के अनुसार 8 जून को दिशा की मौत के बाद 9, 10, 15 और 17 जून को भी दिशा का फोन इस्तेमाल किया गया था। फोन में इंटरनेट का उपयोग किया गया जा रहा था। अब पुलिस को ये पता लगाना होगा कि दिशा का फोन कौन इस्तेमाल कर रहा था। अब इस केस में मुंबई पुलिस के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि मौत के बाद दिशा का फोन पुलिस की कस्टडी में होना चाहिए था, पुलिस ने फोन अपनी हिरासत में क्यों नहीं लिया? अगर पुलिस के पास था तो उसका इस्तेमाल कौन कर रहा था? अब एक बार फिर सुशांत और दिशा सालियान की मौत के संबंध को लेकर सवाल उठने जाहिर है। वहीं आपको बता दें कि दिशा सालियान ने 8 जून को मुंबई में 14 मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने सुशांत के साथ कुछ समय तक मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में भी काम किया था। वहीं सुशांत सिंह दिशा की मौत के कुछ दिनों बाद यानी 14 जून को अपने बांद्रा वाले फ्लैट में मृत पाए गए थे। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये फोन पुलिस की कस्टडी में था तो पुलिस आखिर इस फोन का इस्तेमाल क्यों कर रही थी, और अगर ये पुलिस की कस्टडी में नहीं था तो वो कौन सा शख्स था जो दिशा का फोन इस्तेमाल कर रहा था, जिसने इंटरनेट का उपयोग किया? इन सभी चीजों की जांच सीबीआई कर रही है। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़, और मैं हूँ आपके साथ साधिका कौर।